लिखो जितना लिखना है मानो मैं, लेकिन जितनी मेहनत से तुम आंसर लिख रहे हो ना, उतनी ही आसानी से तुम्हारे पेन के अंदर भरी हुई मैजिकल इंक के वजह से सब आंसर्स भी गायब हो जाएंगे। सर मेरा पेपर हो गया। हाँ सर मेरा भी पेपर हो गया है। सेम टू सेम। लेकिन बेटा अभी पेपर खत्म होने में टाइम है, तुम दोनों एक बार फिर से अपने सारे आंसर्स चेक कर लो। मैंने कहा था ना भयंकर परी, अंत में अच्छाई बुराई को मां जरूर देगी। भयंकर परी, आज से बच्चों में और परियों में तुम्हारा डर और आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तुम जैसे बुरे लोगों के लिए यही सही जगह है भयंकर परी। आज से तुम इसी में कैद रहोगी और किसी भी बच्चे या परियों को परेशान नहीं कर पाओगी। परियों की सासों को रोकना चाहती थी ना तुम, आज से तुम अपनी एक एक सांस के लिए परियों पर निर्भर रहोगी। या कर बर्बाद मुझे परी पूरे कर ले, अब करेगा पालवीर भी मेरा हाल ऐसा ही, कर देगा मुझे भी बंद पूतन में। नहीं नहीं, मैं फटाफट लेता हूँ मांग माफी बालवीर से। बालवीर! माफी बालवीर, कर दो मुझे माफ। ए ए ए ब्रातासी डुबा डुबा एक,
दे दो मुझे और एक मौका सुधरने का, रहूंगा मैं आपके चरणों के पास हमेशा। दे दो मुझे और एक मौका। उठ, उठ। हो नहीं सकते तुम जैसे टेढ़ी सोच वाले कभी सीधे। दिया है तुमने हमेशा साथ बुराई का और दोगे आगे भी। ये इसलिए यही सजा तुम्हारे कि तुम रहो सड़ो इस भयानक लोक में अपनी बुराई के साथ अकेले। नहीं नहीं दादा शिव डुबा डुबा एक मत करो ऐसा मेरे साथ। ले चलो मुझे भी अपने साथ परीलोक में। नहीं तौबा तौबा, हम तुम्हें ऐसे परीलोक नहीं ले जा सकते। एक काम करते, तुम्हें बंदर या कौवा बनाकर परीलोक ले चलते है ना। नहीं, नहीं, नहीं। गया भाग डरपक और मतलबी कहीं का। अब हमें स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलेगी मानव। हाँ मेहर, पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम दोनों मिलके भी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या क्या सोचा था? पापा के ऊपर से हमारी फीस भरने की चिंता एकदम दूर हो जाएगी और वो आराम से एक स्कूटर खरीद पाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मानो मेहर, मानो मेहर इस तुम दोनों फेल हो गए और मैं पास हो गया। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें ऐसा रोते देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पर मोंटू का हुआ है बोल बाला और मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का हो गया बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का हो गया बोल बाला, मानो मेहर का मुंह काला। मैंने तो सारे आंसर्स लिखे थे। मैंने भी लिखे थे, तो फिर पेपर ब्लैंक कैसे हो गया? उसमें लिखे हुए अक्षर कहाँ चले गए? मेहर, घर में सबको हमसे कितनी उम्मीद थी, पर उन सब पर पानी फिर गया। निशान गायब कैसे हो गया? मानव, ऐसी एक मैजिकल इंक आती है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। पानी नहीं मानव, इंक, इंक फेरी है। और ये इंक फेरी है उस मोंटू ने। मोंटू ने? हाँ, ये सब उसी का क्या धारा है। याद है उसने हम पे एक मैजिकल इंक फेंकी थी जो अपने आप गायब हो गई थी, ठीक हमारे पेपर्स पे लिखे आंसर्स की तरह। इसका मतलब मोंटू ने हमारे पेन में से वो असली इंक निकालकर दूसरी मैजिकल इंक डाल दी थी, जिसके वजह से हमने जो भी लिखा था वो सब कुछ मिट गया। चल मानव, मोंटू के पास चलते। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? आज तो मैं उसे पीट ही दूंगी। आज उसने हमसे हमारा नहीं, हमारे पापा का सपना छीना है। उसे तो हम सजा दे देंगे मेहर, लेकिन हमने जो आंसर शीट पे आंसर लिखे थे वो गायब हो गए, उसका क्या? उसे ठीक कैसे करेंगे हम? उसे मारने से हमें स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी ना मेहर। तो ठीक है, अब मैं बालवीर को ही बुलाती हूँ, अब वो ही सब कुछ ठीक कर सकता है। बालवीर, 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 हुआ क्या बालवीर? बालवीर, मेहर मुझे पुकार रही है, लगता है वो किसी मुसीबत में। डुबा डुबा एक
मैं तुम्हें परीलोक में मिलता हूँ, ठीक है? बालवीर, बालवीर, क्या हुआ मानो मेहर? तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, कुछ भी ठीक नहीं है। इस बार मोंटू ने मोंटू की इतनी हिम्मत, मैं भी उसे मजा चखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे परीक्षा पत्र के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हाँ बालवीर, अगर उसमें ज्यादा देर हो गई तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मानो मैं, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर पहले ये बताओ, तुमने परीक्षा पत्र में सारे जवाब लिखे थे ना? हाँ बालवीर, लिखे थे। बस तो ठीक है, अब मैं सारे जवाब तुम्हारे परीक्षा पत्र में वापस ला दूंगा। तुम जादू से सारे आंसर्स ले आओगे? नहीं बालवीर, हमें वो सारे आंसर्स नहीं चाहिए जो हमने नहीं लिखे थे आंसर शीट में। हमें सिर्फ वही आंसर्स चाहिए जो हमने लिखे थे। हाँ मैं, तुमने जितने जवाब परीक्षा पत्र में लिखे होंगे वैसे ही और उतने ही जवाब तुम्हारे परीक्षा पत्र में आएंगे। मैं जादू करके उन बच्चों के साथ नई साफी नहीं कर सकता मैं, जिन्होंने तुम्हारी जितनी मेहनत की है इस परीक्षा को पार करने के लिए। पर तुम्हें करोगे कैसे? एग्जाम तो खत्म हो गए और पेपर्स भी चले गए चेकिंग के लिए। मैं समय चक्र में पीछे जाकर मोंटू को तुम्हारी कलम में वो जादुई स्याही भरने से रोकूंगा। बस फिर तुमने जितना भी परीक्षा पत्र में लिखा होगा वो गायब नहीं होगा और सब सही हो जाएगा। ऐसा हो सकता है बालवीर? हे नटखट परी, मोंटू ने किया है बड़ा ही गलत काम, जिससे आया है उसको बहुत मजा, इसलिए समय चक्र में मैं पीछे जाकर मोंटू को देना चाहता हूँ उसकी गलती की सजा। अरे मेरा शर्ट नहीं। तो क्या खोले आपके जूते? जूते तो तुम्हें पड़ेंगे। मानो मेरे की पैंट खोलो। बालवीर जी, बालवीर जी, क्यों 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 हम आपकी बात मानते हैं हमेशा? क्यों मोंटू, तुम मानो और मेहर के साथ फिर से शरारत कर रहे थे ना? शरारत नहीं ले बालवीर जी, मानो और मैं तुम्हें सबसे बड़े दुश्मन, दुश्मन नहीं दोस्त है, दोस्त। हाँ बालवीर जी। अच्छा, इसलिए तुमने मानो और मेहर की कलम अपने हाथ में पकड़ी? वो तो बता ना, मैं बताऊँ? बस आप बताइए बालवीर जी को। वो हम पेन की इंक चेक कर रहे थे कि वो पेन ठीक से बराबर चले। वो क्या है ना, एग्जाम है ना, तो इंक कम नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए। हाँ बालवीर जी, क्योंकि मानो मेरे बहुत लिख देना बालवीर जी। और तुम तीनों शरारत भी बहुत करते हो। शरारत नहीं, बिल्कुल शरारत नहीं, वो तो हम चेक करके रखने वाले थे। ए, रखना। हाँ। देखा बालवीर जी, अर्जी की है बालवीर जी। मुझे सब पता है मोंटू, कि तुम मानो और मेहर के कलम में ये जादुई स्याही भरना चाहते थे ताकि मानो और मेहर की ये परीक्षा बिगड़ जाए, वो परेशान हो। तुम्हारी ये जादुई स्याही मानो और मेहर के कलम में डालने से उनके अक्षर ही नहीं मिटेंगे, बल्कि उनका उनके पिता के लिए देखा हुआ सपना वो भी मिट जाएगा। और तुम तीनों को तुम्हारी ये बेवकूफी के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए, और इसीलिए तुम्हारी ये जादुई स्याही पड़ेगी तुम्हारे चेहरों पर।
हाँ हे नटखट परी, मोंटू और उसके दोस्त हर बुरे काम करते हैं एक साथ, इनको सिखाना है सबक, कर दो इन पर स्याही की बरसात। शाबाश, तुम दोनों क्लास में सबसे होशियार हो। फिर भी अभी एग्जाम खत्म होने में कुछ टाइम बाकी है, तुम दोनों एक बार फिर से अपने सारे आंसर चेक कर लो। ठीक है सर। बच्चे लिखना बंद करो। तुम तीनों को क्या हुआ? ऊपर देखो, ऊपर देखो। सारी इंक मुंह पे क्यों लगा ली? मुंह से पेपर लिखने वाले थे क्या? बॉस ये तो उल्टा हो गया, मानो मेहर का हो गया बोल वाला और हमारा हो गया मुंह काला। परियों, भयंकर परी के अंत से आप सबको जो खुशी महसूस हुई है उसे हम भी महसूस कर रहे हैं। आज कितने समय बाद परिलोक में खुशी की गूंज सुनाई दे रही है। और ये सब हुआ है हमारे प्रिय बालवीर के कारण। आपने बिल्कुल सही कहा बाल परी, बालवीर ने भयंकर परी का अंत करके पूरे परिलोक पर से बुराई के काले साए को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। लेकिन बालपरी, बालवीर रह कहाँ गया? अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, बालवीर कहाँ है? बालवीर, बालवीर।